जय श्री कृष्णा। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है राहु से, केतु से या शनि से, तो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल में एक बहुत बड़ा पूजन करने। आप भी ऑनलाइन अपनी पूजा करवा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए साल के आने से पहले अगर आप अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को सही करना चाहते हैं और अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर लीजिए और अपनी पूजा संपन्न कराकर हमेशा खुश रहिए। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। 2023 से पहले आने वाली अमावस पर हम ज़रूर कर लेंगे ये एक छोटा सा काम, जिससे आने वाला साल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत सुखद हो जाए। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और साथ में आपको अगर हो रही है किसी भी प्रकार से आपके प्रेम प्रसंग में दिक्कत, तो आज का उपाय आपके लिए है। घर में धन टिकता नहीं है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो आज का उपाय आपके लिए है। अमावस पर आप ज़रूर कर लेंगे ये छोटा सा उपाय, जिससे आपके जीवन में बड़ा चमत्कार रातों रात हो जाए। सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। अमावस एक अपने आप में ऐसी तिथि मानी जाती है जिस पर बहुत जबरदस्त पावर्स जनरेट होती हैं। इस रात्रि के हम अंदर अगर बैठकर नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बहुत तरीके से पूजन पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हों, तो अमावस के दिन आपको अपना पहना हुआ कोई एक कपड़ा किसी गरीब व्यक्ति को ज़रूर दान कर देना चाहिए। इससे आपके ऊपर किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग को लेकर पीड़ाएं नहीं रहेंगी। और दूसरा एक बहुत अच्छा पुण्य का काम भी हो जाएगा कि आप अपना कपड़ा किसी को दे रहे हैं तो वो उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये कपड़ा धोकर और उसके ऊपर हल्का सा कपूर डालकर तभी किसी दूसरे को दीजिएगा, ताकि आपकी वाइब्रेशंस उसके साथ ना चली जाए और इससे कहीं आपका शुक्र खराब ना हो जाए। अमावस के दिन अगर आप 7 प्रकार का अनाज एकत्रित करके पक्षियों को खिला देते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। अमावस के दिन अगर आप अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब ये मत करना कि एक कटोरी ले लिया, 2, 3, 5, 10 किलो अनाज लेकर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके जीवन के बहुत सारे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करने लगता है। अमावस की रात्रि को महालक्ष्मी की रात्रि कहा जाता है और इस रात्रि में अगर हम बैठकर अपने घर में पूजन पाठ करते हैं, तो इससे महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अमावस की रात्रि को एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जिसके अंदर आप एक मोली की कलावे की बत्ती लगा लीजिए और उसके अंदर आप एक कौड़ी डाल दीजिए। रात्रि में स्फटिक की माला से आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैं आपको इसलिए नहीं बताती कि मेरे बताए हुए मंत्र को अगर आप अच्छे से उच्चारित ना कर पाए तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। गूगल पे देखिए, बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको सरल लगे और आप अच्छे से उच्चारित कर पाए, उस मंत्र का आप 108 बार इस रात्रि में बैठकर जाप कर लीजिए। ज़रूर करिएगा और फिर देखिएगा इसका आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। अमावस की रात्रि में अगर आप बैठकर कनक धारा स्त्रोत्र का 11 पाठ कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन के आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आपकी दुकान बंद हो गई है या वहाँ पर काम नहीं हो रहा या वहाँ पर ग्राहक नहीं आते, तो अमावस की रात्रि में आपको कुछ एक मुट्ठी ले लीजिए, एक मुट्ठी आपको काली राई के दाने लेकर अपनी दुकान में डाल देने चाहिए। अगले सुबह अच्छी से सफाई करके या तो धुलाई करा लीजिए अपनी दुकान की, नहीं तो अच्छी से उस पर झाड़ू पोछा लगवा लीजिए।
और फिर देखिए कि आपका रुका हुआ कार्य कैसे चलने लगता है। अगर आपकी दुकान में कोई काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाता है, या आपके यहाँ पर सर्वेंट्स नहीं टिक पाते, आपके यहाँ पर ग्राहक नहीं रुक पाते, आपका पैसा अटका है मार्केट से, आपको पैसे की वसूली नहीं हो रही है अच्छी से, तो आपको अमावस की रात्रि में अपनी दुकान का शटर मंगल करने के बाद, मैं पहले उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताऊंगी। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो अपनी दुकान के लिए बोलते हैं, अभी दुकान बंद करके आ रहा हूँ, अभी दुकान बंद हो जाए फिर बात करता हूँ। ये किसी भी दुकानदार को शोभा नहीं देता कि वो ये बोले कि मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा हूँ या मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो मत करिए, बल्कि आप बोलिए कि मैं अपनी दुकान का मंगल करके अभी आकर आपसे बात करता हूँ या फिर ये काम करता हूँ। तो जब आप अपनी दुकान के शटर का मंगल कर दें या अपने ऑफिस के मेन गेट को आप मंगल करके वापस अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो एक पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर, उसे जलाकर उल्टी 7 बार घुमाकर अपनी दुकान की या ऑफिस की नज़र उतार लीजिए। अमावस की रात्रि में आपके जितने भी बिगड़े काम होंगे बनने लगेंगे। छोटे 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 सरल से उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ। इस साल की आखिरी अमावस पे ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।